नगर परिषद उन्हैल के 15 वार्डों के लिए हुए मतदान में 88.8% मतदाताओं ने वोट डाले। गहमा गहमी के बीच हुए चुनाव में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। नगर परिषद के 15 वार्ड में 63 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से किसके सिर पर ताज आएगा यह 20 जुलाई को पता चलेगा। शाम 5:30 बजे तक 88.8% मतदान हो चुका। सभी वार्डों में निर्दलीय और पार्टी प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कुछ वार्ड में बीजेपी और कांग्रेस तो कुछ वार्ड में निर्दलीयों का दबदबा रहना है। उन्हेल के इतिहास में इस बार सबसे ज्यादा मतदान इस बार हुआ है। आज दिनांक 13 जुलाई 2022 को सुबह 7 बजे से ही उन्हेल नगर परिषद के 15 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन का जो आयोग के कार्यक्रम अनुसार सुचारू रूप से संचालित हुआ। बीच में बारिश के कारण थोड़ा सा खलल पड़ा, लेकिन मतदाताओं के उत्साह में इसमें कोई कमी नहीं रही। अभी जब 5 बजे मतदान समाप्ति हुई तो लगभग 88.66% उन्हेल नगर परिषद के लिए मतदान हुआ है, जिसमें 91.7% पुरुषों का मतदान रहा और महिलाओं का मतदान 85.5 रहा है। और इसी के साथ एक अन्य जो है उनका मतदान का परसेंटेज 100% रहा है। नगर पालिका खाचरोद के 21 वार्डों के लिए हुए मतदान में 76.71% मतदाताओं ने वोट डाले। गहमा गहमी के बीच हुए चुनाव में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। हालांकि सिर पर ताज किसके सिर बंधेगा यह 20 जुलाई को पता चलेगा। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान की गति दोपहर तक काफी धीमी थी। बारिश के कारण कम संख्या में मतदाता वोट डालने निकले, लेकिन दोपहर होते ही भीड़ उमड़ पड़ी और शाम 5 बजे तक 76.71% मतदान हो चुका था। सभी वार्डों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मतदान के उत्साह का आलम यह था कि बुजुर्ग व्हीलचेयर या अपने केयर टेकरों के साथ वोट डालने पहुंचे। अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है और 20 जुलाई को रिजल्ट पता चलेगा। नागदा नगर पालिका के 36 वार्डों में पार्षद चुनने के लिए बुधवार को हुई वोटिंग की गति काफी धीमी रही। जिले में नागदा नगर पालिका ही ऐसी रही जहां सबसे कम मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक आई रिपोर्ट के मुताबिक 71.25% मतदाताओं ने ही वोट डाले थे। कुछ वार्डों में सुबह से ही वोटरों की कतार थी तो कुछ वार्डों के मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसरा पड़ा था। बारिश ने भी मतदान को काफी हद तक प्रभावित किया। नागदा नगर पालिका के 36 वार्डों में 127 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन्हें चुनने वाली मतदाताओं की संख्या 77,225 है। बावजूद इसके 29% मतदाताओं ने वोट डालने में रुचि नहीं दिखाई। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी वोट डालने के लिए नागदा पहुंचे। मतगणना 20 जुलाई को होगी और दोपहर तक नतीजे आने की संभावना है। इस बार अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होना है, इसलिए सबसे पहली परीक्षा ही पार्षद चुनाव जीतने की है। नागदा में नगर पालिका अध्यक्ष का पद ऐसी महिला के लिए आरक्षित है। ये नागदा नगर पालिका के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। नागदा के विकास के लिए, प्रदेश के विकास में सहभागी बनने के लिए और देश के विकास में सहभागी बनने के लिए यहाँ के मतदाताओं ने अहम भूमिका निभा करके अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग किया है। मैं भी कर्नाटक के बेंगलोर से वोट डालने के लिए ही यहाँ आया हूँ। देश के प्रत्येक नागरिक और मतदाता का ये कर्तव्य है कि वो हर स्तर पर जो भी चुनाव आयोजित होते हैं देश में उनमें सहभागी बने। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करने में सहयोग करें, सहभागी बने।